बालेंद्र शाह के इस कदम की जहां भारत में आलोचना हो रही है, वहीं इसको लेकर अब नेपाल में भी बहस छिड़ गई है। नेपाली कानून के जानकार इसे बचकानी हरकत करार दे रहे हैं। वे काठमांडू के मेयर की इस हरकत को टाइम पे ग्रेटर नेपाल की काफी सारी बातें चल रही है। मैंने भी आपके साथ कई सारी वीडियो शेयर की और आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ ग्रेटर नेपाल के मामले के बारे में। देखिए, ग्रेटर नेपाल जो है वो इस टाइम पे काफी ट्रेंड में चल रहा है। इंडियन मीडिया लगातार इसके रिप्लाई देते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं एक रिपोर्ट देखने वाले आपके साथ शेयर करने वाले कि बालेंद्र शाह के बारे में और ग्रेटर नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया का क्या सोचना है, क्यों इंडियन मीडिया इतना चिल्ला रहा इसके बारे में। सेकंड चीज ये कि ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री क्या इंडियन मीडिया को पता है, इंडियन मीडिया को इसके बारे में पता है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे कि नेपाल अपना ग्रेटर नेपाल का मैप आगे लेके चल सकता है, नहीं चल सकता। आइए इस वीडियो को देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने एक चैम्बर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस ग्रेटर नेपाल के नक्शे में हिमाचल से लेकर बिहार तक के काफी इलाके दिखाए गए हैं। माना जा रहा है कि भारत की संसद में लगाए गए सम्राट अशोक के समय के अखंड भारत के नक्शे के जवाब में काठमांडू के मेयर ने यह नापाक हरकत की है। बालेंद्र शाह के इस कदम की जहां भारत में आलोचना हो रही है, वहीं इसको लेकर अब नेपाल में भी बहस छिड़ गई है। नेपाली कानून के जानकार इसे बचकानी हरकत करार दे रहे हैं। वे काठमांडू के मेयर की इस हरकत को देश के संविधान और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ करार दे रहे हैं। नेपाली कानून के जानकार कह रहे हैं कि मेयर शाह केवल काठमांडू के मेयर हैं और वे केवल उसी के लिए जवाबदेह हैं। संविधानविद कह रहे हैं कि मेयर शाह ने संविधान की भावना के खिलाफ जाकर के काम किया है। शाह इस समय भारत के बेंगलुरु शहर में हैं और उन्होंने यह नक्शा अपने कार्यालय में लगवाया है। उधर शाह के एक सहयोगी का कहना है कि हमें नेपाल के गौरवशाली इतिहास को याद रखना चाहिए। यह कदम राष्ट्रवाद के बारे में सकारात्मक संदेश देता है। नेपाली संविधान के विशेषज्ञ विपिन अधिकारी कहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को केवल नेपाल के संविधान से मान्यता प्राप्त नक्शे को ही लगाना चाहिए। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अखंड भारत विवाद पर साफ कहा था कि यह केवल अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। दरअसल एक समय में नेपाल का भूभाग पूर्व में तिस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक फैला हुआ था। इस बीच अंग्रेजों के साथ युद्ध में नेपाल ने अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। युद्ध के बाद मेची से तीस्ता और महाकाली से सतलुज नदी तक के क्षेत्रों को अस्थायी रूप से भारत में मिला लिया गया था। नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसने नेपाल के क्षेत्र को मेची महाकाली नदी तक ही सीमित कर दिया। शाह के कार्यालय में ग्रेटर नेपाल के मानचित्र में पूर्वी तीस्ता से लेकर पश्चिमी कांगड़ा तक के क्षेत्र शामिल हैं, जो वर्तमान समय में भारतीय क्षेत्र हैं। यही नहीं, नेपाल में मांग की जा रही है कि भारत को वह जमीनें अब वापस कर देनी चाहिए। सुगौली की संधि के बाद नेपाल ने आज की तुलना में 60% जमीन को गंवा दिया है। नेपाल के एक विशेषज्ञ कहते हैं, केवल जमीन एक देश को नहीं बनाती है, जनसंख्या इसमें बेहद अहम भूमिका निभाती है। जब एक जिम्मेदार चुने गए प्रतिनिधि इस तरह का फैसला लेते हैं तो उन्हें बहुत ही सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने भारत यात्रा के दौरान भी इस अखंड भारत के मुद्दे को उठाया था। प्रचंड ने कहा था कि हमने इसे गंभीरता के साथ रखा था, लेकिन भारतीय पक्ष ने हमसे साफ कहा है कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नक्शा है, न कि राजनीतिक नक्शा। अखंड भारत के नक्शे में आधुनिक नेपाल के लुम्बिनी और कपिलवस्तु को भी दिखाया गया है। इससे पहले भी भारत के राजनीतिक नक्शे में काला पानी को शामिल किए जाने पर नेपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और चीन के इशारे पर नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। इसमें काला पानी लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों को नेपाली इलाका बताया गया था। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली के इस कदम से दोनों देशों के बीच में रिश्ते रसातल में चले गए थे।
इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि ग्रेटर नेपाल का जो मैप है वो बालेंद्र शाह ने लगाया। क्यों लगाया? वो कोट करने के लिए, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए कि आपने जो है वो अखंड भारत का मैप लगाया। अखंड भारत का मैप से जो है ना एस जयशंकर जो इंडिया के, उन्होंने ये बात की कि अखंड भारत नहीं, हम अनडिवाइडेड की बात करें तो इधर नेपाल के बालेंद्र शाह ने बोला कि भाई आजा, मैं तेरे को अनडिवाइडेड इंडिया बताता हूँ, मैं तेरे को अनडिवाइडेड नेपाल दिखाता हूँ। और उसने लॉन्च कर दिया जो है ना ग्रेटर नेपाल का मैप। ग्रेटर नेपाल का मैप वैसे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, बट उन लोगों को भी ग्रेटर नेपाल के बारे में पता चल गया जिनको नहीं पता था, जिनको नहीं पता था इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी, जिनको ग्रेटर नेपाल का एक्चुअल नहीं पता था कि ग्रेटर नेपाल है क्या, तो उनको भी इस बारे में पता चल गया। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पे बालेंद्र शाह की, कि बालेंद्र शाह एक तरफ जो है ना इलाज करे अपनी बीवी का वहां पे इंडिया में, और दूसरी तरफ वो इस मैप को लॉन्च करें। तो उन्होंने क्या किया कि मैप लॉन्च करते, लॉन्च उन्होंने किया, लॉन्च करने के बाद तस्वीरें ली और वो गए भाई वो इंडिया अपनी बीवी का इलाज करने के, और उसके बाद उनकी जो है तस्वीरें वायरल हो गई। तो सब उसके ऊपर बात करें कि एक तरफ वो इलाज करे, दूसरी तरफ वो ग्रेटर नेपाल का मैप लॉन्च करे, ये क्या मामला। आज का जो एक्चुअल शक्ल है वो एक नेपाल का रह गया, और जो जगह थी नेपाल की वो चली गई।